नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 का सवाल है इट सेज ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लेशन थीटा द होल सिस्टम इज एक्सलेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज द फोर्स एक्जर्टेड हमें बताना है द फोर्स एक्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी जी हमें दिया हुआ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नाउ अगेन स्टूडो फोर्स का सवाल है सिंपल सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा सो सिचुएशन ये है कि यह आपका एक इंक्लाइन प्लेन है ये थीटा एंगल और आपने इस इंक्लाइन प्लेन को ए एक्सलेशन ऐसे दिया है और यहाँ पे अपना एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का और इस एम मास के ब्लॉक के ऊपर सिचुएशन ये है कंडीशन ये है कि ये वाला ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे है सो so, इसको कुछ ऐसा बना लेते हैं यहाँ ये हैं मूव कर रहा है यह आपका ग्राउंड है और आपने जब एक्सलेशन इसको दिया है तो ये एम uh, मास का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज आपका रेस्ट पे है हमें बताना है यहाँ पे इसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना होएगा तो नॉर्मल की वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले तो इसका एफ बनाते हैं और एफ जब बनाएंगे तो इस uh, आपका जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक uh, नीचे फोर्स लग रहा है एम जी ये अगर आगे जा रहा है तो इसके पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है एम ए राइट ये आपका इंक्लाइन का एंगल है यहाँ पे आपका नॉर्मल फोर्स आएगा ठीक है तो क्योंकि हमारी कंडीशन ये है अच्छा ये इन एंगल थीटा अगर देखेंगे तो आ, क्योंकि ये इंक्लाइन एंगल थीटा है तो ये वाला आ, उस वजह से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा रहेगा अलग इस वजह से देखेंगे क्योंकि इंक्लाइन के अलॉन्ग आपका मोशन नहीं हो रहा है इस वाले फ्रेम में नॉन इनेशियल फ्रेम में हम बात कर रहे हैं तो उस केस में एम का ये वाला कंपोनेंट और एम का ये वाला कंपोनेंट दोनों बराबर होंगे उसका मतलब क्या है एम का एक कंपोनेंट हम लिख सकते हैं एम कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीठा और इस वजह से एम जी साइन थीटा जो नीचे फोर्स लग रहा था उसकी वजह से इस फ्रेम में मूव नहीं किया बिकॉज एक एम ए कॉस थीटा ऊपर की तरफ फोर्स आ गया इसको अगर हम करेंगे एम विल गेट कैंसल ए को हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई जी ये आपकी एक इक्वेशन आ गई तो ये आपकी एक्सलेशन की वैल्यू आएगी Now, इस बार हमें इस सवाल में पूछा है कि आपके नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी सो so, नॉर्मल की वैल्यू अगर ये दोनों फोर्सेस से कंपोनेंट एम का कंपोनेंट एम का कंपोनेंट यहाँ लेंगे वो नॉर्मल के बराबर है बिकॉज ये उछल के ऊपर भी नहीं जा रहा है सो so, उस केस में हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू एम का ये कंपोनेंट जो आएगा यहाँ पर सो दिस विल बी इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा दिस विल बी एम जी थीटा अब ए की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ इन कर देंगे सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू ये आ गया आपका एम ए की जगह हमने लिखा साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा जी प्लस ये आ गया एम जी कॉस थीटा एम जी अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा प्लस कॉस थीटा ना इसका अगर आप एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू एम जी साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ये वैल्यू होगी ना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है पता है कि साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन होता है उसकी वजह से हम ये फाइनल आंसर है हमारा ये हम कह सकते हैं कि नॉर्मल जो आया अपना फाइनल नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडिड बाय कॉस थीटा सो एम जी बाय कॉस सीटा वुड बी द राइट आंसर hence option number C uh, sorry option number D would be the correct choice